I would like to begin by acknowledging the traditional owners of this land on which we stand today and pay my respect to their elders, past and present. यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन के सोशल लाइफ सभी वरिष्ठ महानुभाव ऑल डिग्निटरीज और मेरे प्यारे देशवासियों एंड माय डियर कंट्रीमैन, ये स्वागत, ये सम्मान, दिस रिस्पेक्ट, ये उत्साह, एंथुसियाज्म, ये उमंग, इसका हकदार द पर्सन प्रिविलेज्ड टू रिसीव दिस, इसका हकदार मोदी नहीं है. Modi is not the person privileged to receive this. 125 crore deshvasi, 1,250 million countrymen. ये उनके हकदार हैं. They have the right to receive this. ये स्वागत, ये सम्मान, ये प्यार. This love, this welcome. भारत माता के उन 125 करोड़ संतानों के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ. I give this unto the feet of the children of the Mother India. मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग अभी भी बाहर हैं. I see that many people are still outside. They could not come inside. ये जो this ये जो नजारा दिस सिडनी में दिखाई दे रहा है, दिस ग्रैंड प्रोग्राम दैट वी सी इन सिडनी, ये नजारा पूरे हिंदुस्तान को आंदोलित कर रहा है. दैट इज मूविंग द होल ऑफ इंडिया. कभी स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को याद करते हैं, वी रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो हम कल्पना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन, कि हमारे इन महापुरुष कितने दीर्घदृष्टा थे. दैट दिस ग्रेट मैन ऑफ आवर्स, आजादी के ठीक 50 साल पहले, दिस 50 इयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद हैड सेड, कि 50 साल के लिए दैट फॉर 50 years भारत के लोग द पीपल ऑफ इंडिया अपने देवी देवताओं को भूल जाए, दे शुड फॉरगेट कोई कल्पना कर सकता है एंड गॉडेसेस, कैन एनीवन इमेजिन के सन्यासी दैट दिस रिनंसिएटेड पर्सन आध्यात्मिक जीवन को लेकर के चल पड़ा था, हु वाज गोइंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, जिसने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को अपना जीवन आहुत कर दिया था. He devoted his life to his master Ramakrishna Paramahans. Why? Ishwar Sakshatkar. For realizing God. That was his goal. वो सन्यासी. That renunciated person. देश की आजादी के 50 साल पहले कह रहा है. Says 50 years before independence of the country. That for 50 years. Please forget. और सिर्फ demigods सिर्फ and demigoddesses.
भारत माता की पूजा करो दुनिया में फिर एक बार भारत माता की मदर इंडिया। और उस महापुरुष के शब्दों की ताकत देखिए। And look at the strength of that great man. ठीक उस 50 साल के बाद And exactly after 50 years, आजाद हो गया। India became independent. मेरी तरह Like me, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं There are many people over here. जिनका जन्म आजाद हिंदुस्तान में हुआ है Who were born in independent India. और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूँ जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ दैट आई एम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु वाज बोर्न इन द इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान और तब जाकर के मुझे जरा ज्यादा ही एंड देन जिम्मेवारी का एहसास होता है आई फील दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में से बहुत लोग हैं Because there are many people among you who are like you, who were born in the independent Hindustan. We did not have the good luck to fight for the independence of the country. भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए we did not फांसी के तख्त पर चढ़ने का नसीब नहीं हुआ है हमें भारती के सम्मान और गौरव के लिए for the independence of The Mother India. जेल के सलाखों के पीछे अपनी जवानी खपाने का सौभाग्य नहीं मिला We did not have the good luck to go to और the हमारे jail भीतर for एक दर्द होना चाहिए एक कशक होनी चाहिए And there should be some pain within us कि हम that we आजादी की जंग में नहीं थे were not there In the हम देश के लिए मर तो नहीं सके इंडिपेंडेंस लेकिन आजादी के बाद पैदा हुए हैं क्या देश के लिए जी तो सकते हैं वी कुड नॉट डाई फॉर द कंट्री बट सिंस वी हैव बोर्न फॉर आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी कैन एटलीस्ट हर किसी के नसीब में देश के लिए मरना नहीं होता है देश के लिए जीना हर किसी के नसीब में होता है और इसलिए एवरीवन डजंट हैव द लक Of हमारा संकल्प रहना चाहिए बट एवरी वन हैज द लक ऑफ लिविंग फॉर द कंट्री इट शुड बी आवर डिटर्मिनेशन दैट इफ वी लिव वी विल लिव फॉर द कंट्री जूझेंगे तो भी देश के लिए इफ वी फाइट इफ वी स्ट्रगल दैट वुड ऑल्सो बी फॉर द कंट्री भाव आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में जगा एंड That is the feeling with the 1,250 billions of the countrymen. आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। You leave India at night. लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 28 साल लगे। But the Prime Minister of India took 28 years in coming here. विश्वास दिलाने आया हूं आई हैव कम हियर टू अश्योर यू ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों माय डियर कंट्रीमैन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा यू विल नेवर हैव टू वेट फॉर 28 इयर्स जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है उतना ही हक यहाँ पर रहने वाले मेरे देशवासियों का The right that the people living in India have, the same right is there with the people living here. सिडनी खूबसूरत शहर है Sydney is a beautiful city. ऑस्ट्रेलिया एक खूबसूरत देश है ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री न ऑस्ट्रेलिया न इंडिया क्रिकेट के बिना जी सकते हैं Neither Australia nor India can live without cricket. Cricket ne hame joda. Cricket has joined us. But before that, hamari aisi sanskrutik virasat rahi hai.
वी हैड इतिहास की ऐसी घटना रही है हिस्ट्री जिसने हमें अटूट रूप से जोड़ा दैट एट और ऑस्ट्रेलिया और भारत कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया लोकतंत्र कॉमन वैल्यूज डेमोक्रेसी दोनों देशों की धरोहर है दैट इज देयर इन बोथ कंट्रीज विश्व लोकतांत्रिक शक्तियों को इन द वर्ल्ड आज गौरव के भाव से देखता है लुक्स एट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज विथ प्राइड दीर्घदृष्टा महापुरुषों का एंड द लॉन्ग साइटेड ग्रेट मैन आजाद हिंदुस्तान में हैव कंट्रीब्यूटेड लोकतंत्र की मजबूत नींव हमारे पूर्व के सभी महापुरुषों ने डाली The और उसी का परिणाम बेस ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की ताकत देखिए वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आवर ग्रेट लीडर्स एंड लुक एट दिस लोकतंत्र की ऊंचाई न होती इफ देयर वाज नो हाइट ऑफ द तो क्या मैं यहां होता डेमोक्रेसी डू यू थिंक आई वुड हैव बीन हियर भारत के लोकतंत्र की उस ताकत को हम पहचाने Let us recognize the strength of the democracy of India, where सामान्य से सामान्य इंसान भी the commonest of the common person अगर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ with true determination देश के लोगों के लिए जीना तय करता है if तो देश उसके लिए मरना तय करता to live for the people of the country, then the country would also decide to die for कभी कभार Sometimes हम शास्त्रों में पढ़ते थे we used to read in the scriptures कि फलाने भगवान सहस्त्र बाहु थे so and so एक हजार भुजाएं थे it was not like that इसका मतलब ये था it was hang on the shoulders that meant ऐसे 500 लोग थे That जो हजार भुजाओं के कारण ईश्वर भी अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते थे योजनाओं को पूर्ण कर पाते थे with which even the God would satisfy परमात्मा के 500 सहस्त्र बाहु थे God had 1000 लेकिन भारत arms. माता के पास but 250 करोड़ भुजाएं हैं 250 करोड़ but the mother India has got 2500 जिस देवी के पास जी भारत माँ के पास 2500 मिलियन आर्म्स 250 करोड़ भुजाएं हो द मदर इंडिया उसमें भी दैट हैज गॉट 2500 मिलियन आर्म्स 200 करोड़ भुजाएं तो एंड इन विच 35 साल से 2000 मिलियन आर्म्स आर ऑफ द पीपल हिंदुस्तान नौजवान है हिंदुस्तान इज यंग युवा शक्ति से भरा हुआ है फुल ऑफ यंग यंग युवा के मन में आंखों में सपने होते हैं हु हैज ड्रीम्स इन देयर आईज नेक इरादे होते हैं हैव गुड मजबूत संकल्प शक्ति होती है दे हैव गुड रेजोल्यूशन एंड द पावर एंड पत्थर पे लकीर करने का भी सामर्थ्य रखते हैं और उसी के भरोसे में विश्वास दिलाता हूं दे हैव कैपेसिटी टू स्वामी विवेकानंद ने दूसरा सपना देखा था स्वामी विवेकानंद सौ दर सेकंड मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूँ एंड आई एम वॉचिंग दैट इन जिस महापुरुष ने जीवन के अंतकाल में 50 साल के बाद दैट ग्रेट मैन का सपना देखा था जो चरितार्थ हुआ उस महापुरुष ने दूसरा सपना देखा था दैट सेकंड ड्रीम और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था स्वामी विवेकानंद सेड कि मैं मेरे आंख के सामने दैट इन माय फ्रंट ऑफ माय आईज भारत मां का वो रूप देख रहा आई एम वॉचिंग द वो जगत जननी का रूप देख रहा हूँ मदर इंडिया फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान माय मदर इंडिया इज सिचुएटेड एज विश्व गुरु द गुरु ऑफ द वर्ल्ड वो विश्व का नेतृत्व करती होगी एंड शी विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी एंड शी विल हैव कैपेसिटी मेरी स्वामी विवेकानंद जी की एंबिशंस ऑफ द वर्ल्ड इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूँ कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते वेरी ग्रेट
respect to that great vision of Vivekananda. And then I say, ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ हमारा देश है। विवेकानंद can't be wrong, and that. और मैं छह महीने के मेरे बहुत अल्पकाल का समय का मेरा अनुभव है। The country is full of that energy. इतने बड़े हिंदुस्तान में। In my 6 months work time. छह महीने कुछ नहीं हुए। 6 months are not nothing. लेकिन छह महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूँ। But I can say with my 6 months experience that. देश के सामान्य मानव ने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आशीर्वाद भारत माँ दे रही है, और वो सपने पूरे होने का सामर्थ्य fulfill the dreams. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। I want to ask you. जो भरोसा मेरा है आपका है क्या? The trust that I have. Do you have that trust? Do you believe? ये देश फिर से उठ खड़ा होगा। That this country will rise again. ये देश ताकतवर बनेगा। This country will be powerful. हम सामर्थ्य के साथ मानव जाति की सेवा कर पाएंगे। That we will be able to. विश्व को संकटों से मुक्ति दिलाने का देश में सामर्थ्य होगा। अगर आपकी वाणी में जो ताकत है, वो सामान्य मानवी की ताकत, वो वाणी कभी ईश्वर की वाणी बन जाती है। The common man's strength will become the voice of God. वो ईश्वर के आशीर्वाद बन जाते हैं। That becomes a blessing of God. मुझे कोई कारण नहीं लगता है भाई बहनों। I don't see any reason. कोई कारण मुझे नहीं लगता है। I don't see any reason. कि हमारा देश that our country पीछे रह जाए। मुझे कोई कारण नहीं लगता। Will left behind. नियति ने उसका आगे जाना तय कर लिया है। The nature or the luck has decided that the country will go ahead, progress. That we all, कि हमारी भुजाओं से हर काम वही होगा जो भारत माँ के कल्याण के लिए होगा, 125 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए होगा, विश्व के दुखियारों के लिए होगा। That will be for the अगर एक बार उन संकल्पों को लेकर के चलते हैं, country of poor people of India and the world. ऑस्ट्रेलिया के जीवन में इन ऑस्ट्रेलियाज लाइफ कोई भी भारतवासी गर्व करता है। एवरी इंडियन फील प्राउड हियर। 200 साल पहले भारत से कुछ परिवार आए थे। हियर केम सम 200 साल पहले फैमिलीज 200 इयर्स अगो और भारतीयों का यहाँ का जीवन एंड इंडियंस लाइफ हियर हिंदुस्तानी को गर्व करा रहा है, गर्व दे रहा है। Indians feel pride in it, seeing the life of Australia. आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना बना लिया है। You make Australia your land. आपके वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से, विचार से, in your thinking, in your जिन मूल्यों को लेकर के आप जी रहे हैं, the values you are living with, because of that, Australia का भी हर नागरिक, Australia's every each and every citizen महसूस करता है, feels a relation with you, you that feel that. और मैं मानता हूँ, and I believe. एक भारतीय के नाते Being यही Indian, हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है this is our biggest कि जो हमारी कर्मभूमि हो that what is our work land, कर्मभूमि के साथ for that work, with हमारा that लगाव land, भी इतना होना चाहिए, हमारा समर्पण भी इतना होना चाहिए, और जो हमारे भारतीय भाई बहन आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कर रहे हैं our all Indian brothers and sisters are doing in Australia's land. मैं आने से पहले बिफोर कमिंग हियर कुछ चीजें देख रहा था, मुझे जो देख करके इतना आनंद हुआ, फ्यू थिंग्स एंड आई फेल्ट वेरी आई वाज वेरी प्लीज्ड। सबका उल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू, जिनका उल्लेख रह जाए कांट मेंशन द थिंग्स व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड, आई कांट मेंशन वो अगर कमी है तो मेरी कमी है, बिकॉज़ इट इज माय फॉल्ट, उनके पराक्रम की कमी नहीं है, इट इज नॉट आप देखिए, यू सी 1964 में इन 1964 टोक्यो में इन टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ, ओलंपिक गेम्स उसमें टू प्लेस इन दैट मूल भारतीय इंडियन ओरिजिन बख्तवार सिंह समराय उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। He represented India, Australia in the Olympics. देव बख्तवार सिंह जी का ये उस समय at that time Olympic में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक भारतीय का प्रतिनिधित्व करना, Indian
doing the representative. He was the representative of Australia, and it is, I think, that it is not was a simple or a small thing. Anglo-Indian रहते हैं. Here, in a very big number, in Anglo-Indians are living here. They came from India and lived here. जिनका जन्म जबलपुर में हुआ था. और and he was born in Jabalpur Olympic and in Olympic hockey को represent किया he represented Australia hockey from the side of Australia. Red Sellers Stuart Clark ये दोनों Anglo-Indian थे. They both were Anglo-Indian. They came from India. लेकिन Australia को but क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपनी जगह बना दी थी. उनका योगदान दे एस्टैब्लिश्ड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. लीसा स्थालेकर पुणे में जन्मी. वाज बोर्न इन पुणे. और महिलाओं के क्रिकेट की दुनिया में एंड इन द फील्ड ऑफ 2013 तक 1000 रन बनाना और 100 विकेट लेने का उसका रिकॉर्ड है. शी मेड द रिकॉर्ड ऑफ 1000 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रही. शी टुक 200 विकेट्स एंड शी वाज द डॉटर ऑफ मदर इंडिया. अक्षय वेंकटेश भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन. ही वाज ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया. 12 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 12 इयर्स इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड International Maths Olympiad and in International Maths Olympiad विश्व में अपना डंका बजा दिया. ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन किया. यही के हमारे ये सामर्थ्यवान लोग मथई वर्गीस मूल भारतीय के. He was also भारतीय मूल के थे. ऑफ इंडियन ओरिजिन. वहाँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे मैथमेटिशियन के नाते. उन्होंने अपना नाम बनाया. थारिणी मुदालियर साउथ अफ्रीका में जन्मी मूल भारतीय. साउथ अफ्रीका एंड ही वाज एक्ट्रेस और सिंगर के रूप में एंड पूरे ऑस्ट्रेलिया में जाने जाते हैं. सिंगर ही इज वेल नोन इन ऑल ऑफ इंदिरा नायडू मूल भारतीय की ऑस्ट्रेलियन. एंड शी वाज लेखिका के रूप में एक जर्नलिस्ट के रूप में और यूएन में सेवाएं देने के रूप में जर्नलिस्ट एंड एज ए आज भी हर भारतीय ऐसे नामों पर गर्व कर सकते हैं. इसके सिवाय भी इंडियन कैन फील प्राइड. बहुत सारे नाम होंगे जो भारतीय मूल के लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओरिजिन अपने आप को ऐसा खपा दिया अपना ऐसा समर्पित कर दिया ऑस्ट्रेलिया के जीवन को. ऑस्ट्रेलिया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन हो योगदान रहा ऑस्ट्रेलिया. इसलिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ. मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. I welcome you all for that from my bottom of my heart and I say thank you for that. मुझे मालूम है. I know. आपकी उंगली पर तो टीका लगने वाला नहीं था. आपका तो मतदान होना नहीं था. लेकिन मुझे मालूम है उस चुनाव का कोई पल ऐसा नहीं था जिससे आप जुड़े नहीं थे. कोई परिवार ऐसा नहीं था जो चुनाव के नतीजे आने वाले थे उस रात तय करके बैठा था अब तो सोना नहीं है. ये जो भारत में राजनीतिक परिवर्तन के लिए विश्वभर में फैले हुए भारतीय समुदाय का जो उमंग था वो उमंग कौन जीते कौन हारे इसके लिए नहीं था. किसकी सत्ता बने किसकी न बने इसके लिए नहीं था.
उसके दिल में एक दर्द था, आग थी, पीड़ा थी कि मैं दुनिया में जहां बैठा हूं मेरा देश कब ऐसा बनेगा। उसके लिए चुनाव, उज्जवल भारत के भविष्य के सपनों से जुड़ा हुआ था। उसके लिए चुनाव राजनीतिक उठापटक का खेल नहीं था, जय और पराजय का खेल नहीं था। उसके दिल में तो एक ही आवाज थी, भारत माता की जय। उसके मन में एक ही भाव था, भारत माता की जय। और भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के जो कोटि कोटि लोग जो आज भी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने परिवार हैं जिनको आज बिजली तक मुहैया नहीं है। आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी न मिले, बिजली मुहैया न हो, इतना ही नहीं शौचालय तक नहीं है। कई लोगों के मन में बहुत बड़े बड़े काम करने के सपने होते हैं, वो सपने उनको मुबारक। मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए करने हैं और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए करने हैं। आप कल्पना कर सकते हैं आज के युग में बैंकिंग सिस्टम से अलग रह करके अर्थ की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा के बाहर रह करके कोई आर्थिक विकास में भागीदार बन सकता है क्या? हर किसी के लिए बैंक अकाउंट इतनी सामान्य बात है। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और यह सपना देखा गया था गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक में जा पाएगा। आपने भी किसी गरीब को बैंक में नहीं देखा होगा, जब हिंदुस्तान में थे कभी देखा था? अब मैंने सपना छेल लिया है कि मैं चाहता हूं गरीब का बैंक में खाता हो। मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं कि देर थी आर्थिक विकास यात्रा में गरीब से गरीब का भी हिस्सा जुड़ना चाहिए, वो इस व्यवस्था के साथ परिचित होना चाहिए, वो कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। करीब 75 मिलियन लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं, उन परिवारों की मैं बात करूं, व्यक्ति नहीं परिवार, एक परिवार में 5 लोग गिने तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या होगी। मैंने रिजर्व बैंक से कहा, मैंने कहा एक काम करना है, कर सकते हैं क्या? रिजर्व बैंक ने कहा कि मोदी जी हो तो सकता है लेकिन अब प्रधानमंत्री को मना तो कोई करता नहीं। लेकिन उनको तरीके मालूम होते हैं, उन्होंने कहा 3 साल लगेंगे। मैंने कहा भाई 3 साल के बाद क्या सूरज कब उगेगा? मैंने हमारे वित्त मंत्रालय को पूछा, मैंने कहा भाई ये काम करना है, बताओ क्या करोगे?
अगर रिजर्व बैंक तो 3 साल कह रहे, नहीं नहीं बोले 2 साल में कर देंगे। उनको लगा हम मोदी जी खुश हो जाएंगे, वो 3 कह रहे थे, हमने 2 कह दिया, अब तो गाड़ी चल पड़ेगी। मैंने मेरी ऑफिस के लोगों को बुलाया, पीएमओ को, मैंने कहा भाई ये रिजर्व बैंक कह रही है 3 साल, डिपार्टमेंट कह रहा है 2 साल, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं साहब बोले 1 साल तो लगेगा। अब हमने सबको सुन लिया और हमने कहा 15 अगस्त को लाल किले पर से बोल दिया। मैंने कहा मुझे ये काम 150 दिन में पूरा करना है, दोस्तों पिछले 68 ईयर्स में 1 साल में औसत 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोलते थे, 10 मिलियन। हमने ठान ली कि काम करना है, लास्ट 10 वीक में 71 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। सरकार वही, मुलाजिम वही, दफ्तर वही, फाइल वही, आदत वही, लोग भी वही। काम हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना ही नहीं, देश के गरीब लोगों की ईमानदारी देखिए, देश के गरीबों की ईमानदारी देखिए। मैं और आज इस धरती से उनको सलाम करता हूं। हमने कहा था मुझे गरीबों को बैंक अकाउंट खोल करके उनको मुख्य धारा में लाना है। अब उसके पास तो बेचारे को बैंक खाता खोलने के लिए 5 रुपया 10 रुपया भी तो नहीं है, तो हमने नियम बनाया 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा। लेकिन आप सब गर्व से कर सकते हो, अकाउंट खोलना था, ऐसे गरीब परिवार के लोगों ने मन में सोचा नहीं नहीं मुफ्त में क्यों करें, भले मोदी जी ने तो कह दिया लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हमारा भी कोई जिम्मा होता है। और मेरे दोस्तों आपको जान करके खुशी होगी, इस 70 मिलियन जो बैंक अकाउंट खुले हैं 10 वीक में खुले हैं, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करवाए, 5,000 करोड़ रुपी। किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया, उसको लगता है कि मैं एक मुख्य धारा से जुड़ रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक बार हम हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत कम ना आके, हम व्यवस्थाओं पर भरोसा करें, देशवासियों पर भरोसा करें और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए अगर उंगली पकड़ करके चलने की कोशिश करें, वो हमसे भी आगे दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। और मैंने उनको कहा है 26 जनवरी फाइनल डेट, पूरा करना है काम, लगे हैं सारे बैंक एम्प्लॉय लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। दो अक्टूबर से मैंने काम उठाया स्वच्छ भारत का,
आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी देश में आप जाते हैं और वहां की स्वच्छता देखते हैं तो सबसे पहले हमारे देश की गली मोहल्ले याद आते हैं कि नहीं आते हैं? हम यहां आकर के कभी गंदगी करते हैं क्या? लेकिन भारत में जाते ही ये सिर्फ व्यवस्थाओं के कारण ये समस्या नहीं है। मैं जानता हूं कठिन काम है। महात्मा गांधी भी इस बात के लिए बहुत आग्रह करते थे, लेकिन क्या बहुत कठिन काम है इसलिए हाथ ही नहीं लगाना चाहिए क्या? दूर भागना चाहिए क्या? आलोचना सहने की तैयारी चाहिए कि नहीं चाहिए? और भाइयों बहनों, मैंने एक बहुत बड़ा संकट मोल लिया है, जान बूझ करके मोला है। जो लोग 1857 के स्वतंत्र संग्राम में लड़ पड़े थे, शहीद हो गए थे, उनको अपने जीते जी देश की आजादी देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन वो अगर ये सोचते हैं कि मेरे जीते जी आजादी मिले तभी तो मैं मरने को तैयार हूं, तो कभी आजादी नहीं मिल सकती। अगर 125 करोड़ देशवासी तय करें तो दुनिया के सामने ये जो हमारी छवि बिगड़ी हुई है उसको भी हम बराबर साफ सुथरा बना सकते हैं, और इसलिए मैंने इस काम को उठाया। शौचालय बनाने में लगा हूं, बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री आज एक ही काम कर रहा है, शौचालय बनाओ। खास करके हमारी माताओं बहनों की डिग्निटी, गांव के अंदर आज भी खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है, मन में दर्द होती, शर्मिंदगी महसूस होती है। और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, आप पूंजीपति नहीं होंगे लेकिन दो टंग अच्छे ढंग से खाना तो जरूर खा सकते होंगे। आप भी अपने गांव में जहां के आप मूल रहने वाले हैं इस काम में कुछ योगदान दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। स्वच्छता जो है वो ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि गंदगी है जो बीमारी को लाती है, और जब बीमारी आती है तो औसत एवरेज एक गरीब परिवार को करीब करीब 6 से 7 हजार रुपया का बोझ आता है एवरेज बीमारी के कारण। अगर हम स्वच्छता का अभियान लेते हैं तो गरीबों की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, और इसलिए आपके दिल में भारत के लिए सेवा करने का कोई भी भाव है, उस भाव का प्रकटीकरण इस स्वच्छता के माध्यम से हो सकता है। और इसलिए मैं बहुत पहले जब ऑस्ट्रेलिया आया था, यहां काफी मेरा मिलना जुलना हुआ, कई बार आना हुआ है, यहां के लोगों से मिलता था, बात करता था, तो मुझे कई लोग पूछते थे आप ऑस्ट्रेलिया से आप क्या क्या सीखेंगे, आप क्या कहेंगे हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखना चाहिए। एक बात मेरे मन को हमेशा छूती थी और वो थी डिग्निटी ऑफ लेबर। यहां के चरित्र में है, जिस आदर के साथ वो डॉक्टर से बात करता है उतने ही आदर से वो ड्राइवर के साथ बात करता है। रिसर्च साइंटिस्ट के नाते काम करता है तो कभी करता है कि वीकेंड पर ड्राइविंग करूंगा तो वीकेंड पर ड्राइविंग करने चला जाता है और टैक्सी चलाता है।
ये डिग्निटी ऑफ लेबर ये ऑस्ट्रेलिया से सीखने वाला विषय है। ये स्वच्छता के माध्यम से मैं इस बात को गर्व देना चाहता हूं, ये गौरव देना चाहता हूं कि सफाई करना, ये कूड़ा कचरा उठाना, ये बिलो डिग्निटी नहीं है, ये बहुत इज्जत वाला काम है। और हम भारत में हम लोगों का स्वभाव क्या हो गया है, अगर कोई अपने घर कूड़ा कचरा उठाने के लिए आ जाए तो हम क्या कहते हैं, कचरा वाला आया है। हकीकत वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। लेकिन हमारे सोचने के तरीके में ऐसी गड़बड़ हो गई है, हमारी टर्मिनोलॉजी इतनी बदल गई है, को जो सचमुच में सफाई का काम करता है उसको भी हम कचरे वाला कहते हैं। ये स्थिति बदलनी है। और इसलिए, और मैंने देखा है आज हिंदुस्तान में उद्योग जगत के लोग हो, सिने जगत के लोग हो, शिक्षा जगत के लोग हो, राजनीतिक जगत के लोग हो, सबने इसको गौरव के साथ इस काम में शरीक होने का काम उठाया है और मैं सबको इसके लिए अभिनंदन करता हूं। काम कठिन है, दिवाली में भी अपना दो कमरे का घर भी साफ करना है तो हफ्ता लग जाता है, तो इतना बड़ा हिंदुस्तान साफ करना है तो कितना समय लगता है। और इसलिए हमने कहा है 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हम गांधी को क्या दें? कम से कम साफ सुथरा हिंदुस्तान तो उनको चरणों में धरे, हम इतना तो करें। ...2019 तक इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और यही चीजें हैं, अगर बीमारी जाती है तो गरीब को फायदा होता है, लेकिन स्वच्छता आती है तो टूरिज्म इतना तेजी से बढ़ेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के पास क्या नहीं है दुनिया को देने के लिए, दिखाने के लिए? पूरे विश्व के पास जितना है उतना अकेले एक हिंदुस्तान के पास है। हिम्मत के साथ अगर अब दुनिया को जाए लोग आ जाएंगे। लेकिन वो मिजाज भी तो चाहिए, वो दम भी तो चाहिए, अपने आप पर भरोसा भी तो होना चाहिए। इतनी चीज, पुरातन चीजें हमारे पास है, विश्व को हम आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत ही ऐसी होते यार, पता नहीं, और बात वहीं अटक जाती है। दुनिया से हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम मेक इन इंडिया का अभियान लेकर के बैठे हैं। मैं चाहता हूं विश्व भारत की धरती पर आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, क्योंकि हमारा मकसद एक है, मेरे देश के नौजवान को रोजगार मिले, हमारी सारी नीतियों के केंद्र बिंदु में नौजवान के लिए रोजगार है। जॉब क्रिएशन कैसे हो, और इसके लिए हम दुनिया को कह रहे हैं आइए भारत में पूंजी लगाइए। जिस देश के पास इतने नौजवान हो, वो देश के नौजवान अपने कौशल्य के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। और इसलिए मेक इन इंडिया अभियान हमने चलाया है, और उसके लिए नियमों में, कानूनों में, व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा तेजी से बदलाव ला रहे हैं। गुड गवर्नेंस से सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन पूंजी निवेश के लिए भी कोई आएगा
तो सबसे पहले उसके यहां जो लोग आते हैं, सीईओ लाएगा, टॉप मैनेजर्स लाएगा, मैनेजरियल स्किल वाले, वो पहले पूछते भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो हम जापान के साथ, हम चाहते थे जापान हमसे जुड़े, जापान के लोग हमारे आए। हमारे ध्यान में आया कि बाकी सब होगा लेकिन अगर गोल्फ नहीं है तो जापानीज नहीं आएगा। अब गुजरात वालों को गिल्ली डंडा मालूम है, गोल्फ मालूम नहीं। आखिरकार हमने प्राइवेट पार्टी को कहा, हमारे कहा भाई तुम गोल्फ के लिए कुछ व्यवस्थाएं करो, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पूंजी निवेश के लिए आता है तो वो उसके अपने प्रमुख लोगों के लिए, मैनेजरल स्किल जिनका है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है। ये भारत की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को लिए लोगों को ऑफर करें ताकि पूंजी निवेश के साथ उसके जो लोग आए उनके जीवन को भी एक स्तर से रहने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ केयर मिले, अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले। इन सारी चीजें जुड़ी हुई है। हम सिर्फ सरकार की नीतियां बनाएं और लोगों को कहेंगे ये टैक्स फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, ये मुफ्त में देंगे, आप आ जाइए, दुनिया आती नहीं है। उसके लिए व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ती होती है, एनवायरमेंट बनाना होता है। मेक इन इंडिया के द्वारा हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। भारत की रेलवे, हम सब गर्व कर सकते हैं लेकिन वो वहीं अटकी पड़ी है। न नया एक किलोमीटर रेल की पटरी पर डाली जाती है, न उसकी स्पीड बढ़ती है, न पैसेंजरों के लिए जगह बढ़ती है, पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं तो ऊपर बैठते हैं। क्या इन स्थिति का उपाय नहीं है? क्या उपाय है? बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। हम दुनिया में जो लोग इस पर जानकार हैं, मैं निमंत्रित करता हूं, आइए आइए। भारत में रेलवे के विस्तार के लिए इतनी संभावना है, रेलवे के विकास के लिए इतनी संभावना है, रेलवे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए संभावना है, और 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट छोटी बात नहीं है जी। दुनिया में कई देश में रेलवे होगी, पैसेंजर नहीं मिलते होंगे जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम नीतिगत ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिन बदलावों के कारण भारत के सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव के लिए, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़े। अब इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है लेकिन रेलवे में आज तक क्या होता था? जिसको भी नौकरी चाहिए अखबार में जब एडवर्टाइजमेंट आता है वो अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद रेलवे वाले उसको 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग आप जानते हैं, फिर सरकारी स्तर पर ट्रेनिंग होती है तो क्या होता है, फिर वो रेलवे में नौकरी में लग जाता था तो उस रेलवे का क्या हाल होता होगा। हमने कहा कि रेलवे अपनी खुद 4 यूनिवर्सिटीज बनाए, जिसको रेलवे में नौकरी करनी है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे और पढ़ाई के दरमियान ही उसके अंदर वो ताकत आ जाए कि उत्तम से उत्तम वो रेलवे की सेवा करे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, रेलवे का एक्सपांशन हो, एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और इसके लिए एक और काम जो हमने उठाया है, क्योंकि दुनिया को
बहुत बड़े वर्कफोर्स की जरूरत होने वाली है। आज जो दुनिया तेज गति से दौड़ रही है ना, वो बुढ़ापे में आ गई है। आज दुनिया के कई देश हैं जिसके पास आर्थिक सामर्थ्य है लेकिन वर्कफोर्स नहीं है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन चलाना संभव नहीं है। कितनी ही टेक्नोलॉजी लाएं लेकिन प्रॉपर वर्कफोर्स की जरूरत हर एक को रहने वाली है, और हम भाग्यवान हैं। सारे दुनिया को जितने वर्कफोर्स की जरूरत है वो पहुंचाने के लिए हमारे लोगों ने भरपूर काम किया है। लेकिन वो अधूरा है, स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा और विश्व को जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत है वो वर्कफोर्स के लिए हम अभी से प्लान नहीं करते। हम दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं कि 2020 में दुनिया के किस देश में किस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। नर्सिंग आज भी दुनिया को जरूरत है, मैथ्स एंड साइंस के टीचर आज भी दुनिया को जरूरत है। क्या भारत वहां से डायमंड ही एक्सपोर्ट करे क्या, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करे क्या, आलू टमाटर एक्सपोर्ट करे क्या? अगर हम दुनिया में बेस्ट क्वालिटी के टीचर एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को हम अपनी बना सकते हैं। सारे विश्व को इसकी जरूरत है, सारे विश्व को बेस्ट क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान भारत में देना पड़ता है। 5 साल लगे 7 साल लगे 10 साल लगे लेकिन ऐसे मानव ताकत को तैयार करें जो विश्व की जरूरतों की पूर्ति के लिए हो। हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, विश्व का कल्याण होगा और भारत की जय जयकार होगी। दोस्त, विकास की नई ऊंचाइयों को अगर पार करना है मेरे नौजवान साथियों, भारत ने अपना पूरा ध्यान भारत की युवा शक्ति पर केंद्रित करने की जरूरत है। युवा शक्ति के भरोसे, उनके सामर्थ्य के भरोसे, उनकी टैलेंट के भरोसे हम दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवाने के लिए सामर्थ्यवान बन सकते हैं। और अब दुनिया जमीनी लड़ाई से चलने वाली नहीं है जी। हार जीत जमीनी लड़ाइयों से नहीं होने वाली, वो जगत समय बीत चुका है। अब बाहुबल से नहीं दुनिया बुद्धि बल से चलने वाली है। धन बल से भी ज्यादा बुद्धि बल काम करने वाला है, और उसके लिए सामर्थ्यवान नागरिकों को तैयार करना, सामर्थ्यवान नागरिकों के भरोसे विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने आप को सज्ज करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये जय जयकार, इसके भीतर अपेक्षाएं पड़ी हैं। आकांक्षाएं पड़ी है, लेकिन आपका सपना मेरा सपना है। आपकी इच्छा आकांक्षा है, मेरी इच्छा आकांक्षा है। आप जिस रूप में भारत को देखना चाहते हैं मैं भी उसी रूप में भारत को बनाना चाहता हूं। फर्क इतना है कि पहले सरकारों लगता था देश बनाएंगे, मैं मानता हूं सरकारें देश नहीं बना सकती और नहीं बनाना चाहिए। देश बनता है देशवासियों के कारण, देश बनता है देशवासियों की शक्ति के कारण। और अगर हम
देशवासियों को अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करने का मौका दें, रुकावटें न डालें। सरकार इतना ही करे ना, हट जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। ऐसा बोझ बना दिया है। अरे जरा खिड़की खोलो भाई, लोगों को जीने दो, खुली हवा मिलने दो, खिलने लगेगा जी। और इसलिए मैं कहता हूं, देश के नागरिकों पर मुझे भरोसा है, देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और उन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चल सकता है और न चलना चाहिए, इस विचार का मैं इंसान हूं। आप लोग जब यहां आए होंगे, आप जब पढ़ते होंगे, तो आपको अपनी मार्कशीट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास सिक्का मरवाने जाना पड़ा होगा, किसी गैजेटेड ऑफिसर के यहां जाना पड़ा होगा, सुबह कतार लगती है उसके घर के सामने, और कोई पहचान के बिना काम होता नहीं। ये सब आपने अनुभव किया है ना। मेरे समझ में नहीं आता है कि जेरोक्स का जमाना है, क्या वो गैजेटेड ऑफिसर या वो कॉरपोरेटर या वो एमएलए, क्या वो सर्टिफाई करे तभी हम सच्चे क्या? लेकिन अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, मैंने आकर के निकाल दिया। मैंने कहा भाई तुम खुद ही लिख दोगे मेरा है, बस चल मान लूंगा। अरे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा तो करो भाई। अपनों पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो अपने हमारे पर भरोसा क्यों करेंगे? मैंने वो सारे नियमों को निकाल दिया। हाँ, जब नौकरी लगेगी तो तुम ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाकर के दिखा देना, बात पूरी। कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे देशवासियों पर विश्वास करें, आशंकाएं न करें। अपने आप में माहौल बदलना शुरू हो जाता है। अगर मैंने गरीबों पर भरोसा न किया होता तो मेरे गरीब हिंदुस्तान की बैंकों में 5,000 करोड़ रुपया नहीं लगाते दोस्त। और इसलिए हम भरोसा कर करके समाज की शक्ति को जोड़ करके, देशवासियों की ताकत को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा किसान सुखी हो, हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिले, गौरव से जिए, हर क्षेत्र में डिग्निटी। अभी मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है श्रम एव जयते। हम सत्यमेव जयते से तो परिचित थे, मैंने कहा श्रम एव जयते, डिग्निटी ऑफ लेबर, इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन मुझे विश्वास है भाइयों, क्या आपने जो मुझे प्यार दिया है, उस प्यार के माध्यम से कुछ जानकारी आपको दे दूं, ताकि कुछ बात आपकी भी बात होनी चाहिए ना, आपकी भी शिकायत होगी। साहब एम्बेसी में जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। कोई फोन नहीं उठाता है, ईमेल करते हैं तो कोई जवाब नहीं देता है, और फिर छोड़ो यार मोदी जी आए लेकिन कुछ हुआ नहीं, यही होता है ना।
हाँ निराशा इतनी है, इतने बुरे दिन देखे हैं कि मन में होता है यार, लेकिन व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। एक निर्णय, मैं जब अमेरिका गया था सितंबर महीने में, तो मैंने कुछ बातें कही थी, लेकिन उस समय मेडिसन स्क्वायर में जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत लोग बोल के गए होंगे। और दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने अमेरिका में जो कहा था मैंने आकर के उसको एक के बाद एक लागू करना शुरू कर दिया। जिनके पास पीआईओ कार्ड है उन सबको अब आजीवन वीजा मिल जाएगा। अब एम्बेसी वाले ने फोन उठाया नहीं उठाया, ईमेल का जवाब दिया नहीं दिया, हम गए तब मिला नहीं मिला, सब दूर। एक और काम है, क्योंकि ये झगड़ा चल रहा है पीआईओ को लेकर के चले कि ओसीआई को लेकर चले, ओसीआई वाला और पीआईओ वाला को अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। मैंने वहां घोषणा की थी कि हम दोनों को एक कर देंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का एक महत्व है, 1915 जनवरी महीने में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। एक प्रवासी भारतीय के रूप में साउथ अफ्रीका से 1915 जनवरी में महात्मा गांधी वापस आए थे। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान वापस आने को 2015 जनवरी 100 साल हो रहे हैं, और इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस में महात्मा गांधी का वापस आने की शताब्दी का अवसर है। और हर विश्व में रहने वाले भारतीय को जैसे महात्मा गांधी के दिल में देश के लिए करने की ललक थी, ये ललक हर हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो वो जलती रहे जगती रहे, इसके लिए इस योजना को आगे बढ़ाते हुए। और इसलिए ये पीआईओ और ओसीआई हमने तय किया है कि 8-9 जनवरी जब प्रवासी भारतीय दिवस होगा 2015, उसके पहले मेरी सरकार इस काम को पूरा कर देगी। तारीख के साथ बता रहा हूं मैं। एक और था, पहले हमारे यहां से जो लोग आते थे तो आप लोगों को पता होगा पुलिस थाने जाना पड़ता था कि मैं वही हूं, और वो पुलिस वाला तय करता था, हाँ अच्छा अच्छा वही आप है। क्या क्या मैं हैरान हूं जी, हमने तय कर दिया है किसी को जाना नहीं पड़ेगा छुट्टी, और इसको लागू कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह कि ऐसी चीजें बना बना करके रखी है, अब उसमें से मुझे मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान चलाया है। भाइयों, सिडनी में इंडियन हमारा जो यहां एम्बेसी का एक हिस्सा यहां सिडनी में भी है, वहां का कल्चरल सेंटर आज ही मैंने सूचना दी है फरवरी तक मैं उसको फंक्शनल करना चाहता हूं। और ये होगा। एक मेरी वेबसाइट है, आप में से इंटरेस्ट हो तो mygov.com, mygov,
अगर शिकायत हो तो लिखिए उस पर, सुझाव है तो भी लिखिए, और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी लिखिए। फरवरी में ये कल्चरल सेंटर शुरू हो जाए, इसके लिए मैं आगे बढ़ने वाला हूं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय करना है, जो शायद आपको भारत में जो टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कह सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल। खुश? ये सुविधाएं बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैंने काफी समय ले लिया, मैं समझता हूं। आप लोग स्पेशल ट्रेन लेकर के आए हैं, कोई कल्पना कर सकता है क्या? आज वर्किंग डे और ये जमावड़ा, एक दो तीन चार, ऊपर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूं आपका, और ये आशीर्वाद बने रहे, ये प्यार बना रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ईश्वर ने जितनी बुद्धि समय शक्ति दी है वो आपको समर्पित है, देशवासियों को समर्पित है। लेकिन ये निश्चित है, हम सब मिलकर के देश को बनाना है। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी देश को कुछ देना है। आज हम जो कुछ भी है, किसी न किसी गरीब की कृपा है तब हम यहां है, हमने उसे लौटाना है। और ईश्वर भी प्रसन्न होता है जब हम किसी के काम आते हैं। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से आज बोलिए, हाँ मेरा भी मन करता है बोल लूं, दोनों मुट्ठी पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। हिंदुस्तान में लगना चाहिए कि भारत माँ के भक्त यहां बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।